यो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवर सीरीज जो हमारी कंटिन्यू करते हैं उसे आज। तो देखो, मुझे चेस्ट मिली थी, चेस्ट है सिर्फ, उसमें डायमंड और सार्मर पिकेक्स और गोल्डन लेगिंग्स मिली थी। ये चार आइटम्स मुझे ये वाली चेस्ट में मिली थी और हमें एक डोंकी भी मिला था। डोंकी यहाँ यही कहीं पर होगा, ये डोंकी, डोंकी को देखता हूँ मैं भी, डोंकी किधर है। और ये हमारा प्यारा सा रैबिट, हाँ ये वाला देखो, इसको मैंने टेम भी किया, इसके ऊपर राइड कर टेम किया हूँ मैं इसे। इसे सैडल पहनाना है हमें, तो क्या करते हैं हम इसे सैडल लेते हैं यहाँ से सैडल। सैडल बहुत सारी है हमारे पास, सैडल का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से सैडल और एक लीड ले लेंगे यहाँ से थोड़ी बहुत। बढ़िया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या, और नीचे, हाँ नीचे उतर गया, इसको लग गया यार गलती से इसके ऊपर। हाँ इधर इधर से ठीक होगा, इसके ऊपर सैडल लगा देते हैं अभी, इसको लेकर चलते ऊपर। यहाँ से निकल जाओ जल्दी, यहाँ ऊपर जाएंगे इसको लेकर। इसकी स्पीड थोड़ी धीमी सी नहीं है, कम होगी इसकी स्पीड थोड़ी सी। तो यहाँ पर फैंस लीड इधर किधर जा रहा था, इसको ऊपर लेंगे और ये यहाँ पर बांध देंगे एनिमल फार्म की, एनिमल फार्म को ही बांध देंगे इसको यहाँ पर अटैच। हाँ ये यहाँ पर बांध दिया हमने इसको, ये इधर गिर जाता था यार मैं भी। ये वाला हाउस भी तोड़ना है हमें और यहाँ से रख देते अपना सामान स्टोर कर देते इसमें, चेस्ट का हमारा थोड़ा बहुत सामान स्टोर कर इसमें। अभी चलते हैं हम ऊपर हमारे डोंकी पर, चेस्ट अटैच कर देखते हैं, चेस्ट अटैच होगी क्या इसके ऊपर। चेस्ट हमारे पास चेस्ट है चार, और ये देखो चेस्ट अटैच होती है इसके ऊपर। इसके ऊपर राइड कर देखना पड़ेगा हमें, राइड हो जा, हाँ राइड हो चुका है हमारा। और हाँ चेस्ट में देखो कितने, एक दो तीन चार पाँच दस पंद्रह ब्लॉक्स इसमें, यानी कि 15 स्टॉक्स बैठ सकते हैं इसमें, 15 स्टॉक्स बैठेंगे इसमें। और इसको हमें बोन रख देंगे इसमें, 15 स्टॉक्स कुछ बैठ सकते हैं इसमें। ओके तो बहुत अच्छा है। इस पर कहीं हमें जाना होगा तो एक डोंकी और एक हॉर्स लेकर जाएंगे हम, या फिर लामा आएगा तो लामा भी लेकर जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसको मारते हैं पहले, बहुत दिनों से आकर बैठा हुआ है, कुछ दे भी नहीं रहा हमें इसको। वो हमारा मॉडर्न हाउस ये देख सकते हो, और भी यहाँ से चेयर्स देखना है हमें, चेयर्स है क्या हमारे पास। पहले पोटैटो, भूख लगी है, पहले खा लेते हैं थोड़ा सा। और शीप स्पॉन हो गई है, देखो शीप स्पॉन हो चुकी है हमारे पास। यहाँ पर शेयर्स थे शायद से, अभी देखना पड़ेगा मुझे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं लग रही। तो इसमें है क्या कुछ आयरन वगैरह, आयरन तो इसमें नहीं दिख रहा मुझे। तो अभी इसमें भी नहीं है आयरन, आयरन तो नहीं है इसमें। नेम टैग क्या करेगा, एनविल नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर शेयर्स सो हाँ शेयर्स यहाँ पर मिल चुकी है मुझे, शेयर्स मिल गए मुझे। और कहाँ गई शिप, इसको शेयर कर लेते हैं पहले। दो वुल दिए हमें इसने, और थोड़ा बहुत जैसे खाना वगैरह यानी कि फीडिंग कराएंगे तो ये दे सकती है हमें और वुल। तो जल्दी से अपने फार्म में चलते हैं, सस्ता वाला फार्म जो कि हमारा ये वाला। अरे ये कहाँ से आ गया भाई, तू कहीं मत जा भाई वरना हमारे लिए हार्ड हो जाएगा। तू इधर आ, तेरे अंदर, तेरे चेस्ट के अंदर हमारा बहुत सारा सामान है, तू कहीं गुम हो गया तो हमारे वांदे हो जाएंगे भाई। अच्छा जल्दी से आ जा इधर, यहाँ पर बांधेंगे इसको। तो मैंने इसको बांध दिया वहाँ पर, और यहाँ से थोड़ा बहुत वीट ले लेते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत वीट ले लेते, देखते कुछ और भी मिल सकता है हमें। तो जल्दी जल्दी से वीट कलेक्ट कर लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर सीड्स लगा देंगे जैसे थे वैसे, क्योंकि फार्म में ग्रो चाहिए यार हमें, इससे भी बड़ा फार्म बनाएंगे हम। और ये ऑटोमेटिक उठ रहे क्या, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर भी,
हाँ शायद से जिसके बीच में समझो जो ट्री आ चुके होते, जो ठीक से उग गए होते, उनके बीच में लगाने से शायद से वो क्या कहते हैं उसे, उसे जल्दी ग्रो हो जाते, लगाते ही ग्रो हो जाते शायद से वो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, हमारा जो वाटर मेलन था, मेलन सीड्स जो मिले थे हमें, वाटर मेलन भी हमारा ठीक से आ गया है। और यहाँ पर ये देखो शीप आ चुकी है हमारी, इसको फीड कराते हैं हम जल्दी से, दे दे हमें तेरी खाल चाहिए हमें। और यहाँ पर हॉर्स, हाँ हॉर्स स्पॉन हुआ हो गया था शायद से, ये देखो इसको खिलाते हैं सारा, इसको खिलाते हैं सारा। तो फाइनली हमारा हमारा जो हॉर्स है वो भी टेम हो चुका है। इससे पहले सैडल पहनाना पड़ेगा हमें, वरना कहीं गुम हो ना जाए। सैडल सैडल बहुत है हमारे पास, जो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिल गई थी सैडल, तो इसको पहले सैडल पहनाते हैं। सैडल के साथ ही हम इसको क्या करते हैं, हमारा गोल्डन आर्मर, ओपी भाई क्या लग रहा है यार, गोल्डन हॉर्स आर्मर क्या लग रहा है इसके ऊपर, कतई जहर। तो इसको क्या करते हैं, हम अपने मॉडर्न हाउस के ऊपर इसको बांध देते, लुक भी ठीक आएगी इसकी, मॉडर्न हाउस के ऊपर बहुत बढ़िया दिखेगा। तो ये देखो कितना ओपी लग रहा है यार, ये कितना ओपी लग रहा है ये देखो। तो चलते हैं, हम अभी दूसरा भी काम करना है हमें, चेस्ट अटैच नहीं होती है उसके ऊपर। और अभी आगे चलते हैं हम, शायद से नाइट होगी शायद, इसको पहले शेयर्स ले लेते हैं हम, इसका दे दे भाई, इसको वुल ले लेते हैं, शेयर्स नहीं। और अभी माइनिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको तोड़ लूँ पहले मैं, इसको कलेक्ट कर लूँ। हाँ इस यहाँ से भी मेरे ख्याल से यहाँ पर नाइट हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा मुझे, देखते हैं नाइट हो गई क्या। तो नाइट नहीं हुई, नाइट होती तो शायद से विलेजर सो जाता, विलेजर को तो हम भाई 2-4 दिन से बेचारा बाहर ही रह रहा है। और यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सामान रख देगा, पहले डायमंड है हमारे पास, कहीं गुम ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर तो ठीक नहीं रहेगा। ये कोल है हमारे पास, हम क्या करते हैं, पहले टॉर्च बनाना पड़ेगा यार हमें, हाँ टॉर्च बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि टॉर्च हमारे वो वाले हाउस में ले जाकर लगाएंगे हम, वहाँ पर अंधेरा है यानी कि लाइटनिंग नहीं है वहाँ पर, इस वजह से कहीं वहाँ पर जोम्बी स्पॉन ना हो जाए, जोम्बी स्पॉन हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो पहले क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट हमारे मॉडर्न हाउस की ओर चलते हैं, वहीं पर आज नाइट वहीं पर ही सो जाएंगे हम, बेचारे विलेजर के लिए वो घर रखते हैं। और पहले यहाँ से लगा देते हैं बाहर यहाँ पर, तो अब अंदर चलते यहाँ पर लगा देते, इस टाइप से कुछ हमें लगानी है कि चारों ओर लाइटनिंग आए, क्योंकि चारों ओर लाइटनिंग भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक लगा देंगे, हाँ तो इस तरीके से यहाँ पर मॉब्स भी स्पॉन नहीं होंगे, तो यहाँ पर लग गई। यहाँ पर थोड़ी सी अंधेरा है शायद से, यहाँ पर लगा देंगे एक, इससे कुछ नहीं होता। तो चलो ऊपर चलते हैं अभी, इसका डोर बंद कर लो पहले, मॉब्स अंदर ना चले जाए। तो ऊपर की साइड में भी रोशनी तो लाइटनिंग तो आ चुकी है ऊपर, फिर भी हमें लगाना पड़ेगा, जो हमारी नीचे जो हमने टॉर्चेस लगाई थी उसकी लाइटनिंग ऊपर तक आ रही है। देखो कितना ओपी वाला काम हो गया, जो हमारा फ्लोर था वो जगमगा रहा है यानी कि चमक रहा है। और चलते अभी अपने स्टोरेज रूम में, स्टोरेज रूम में भी लगाना पड़ेगा हमें टॉर्चेस, यहाँ पर 2 लगा लेते, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर फिर एक, यहाँ पर फिर एक, यहाँ पर। तो टॉर्चेस ख़त्म हो गई, तो यहाँ से एक लेते हैं और हमारे सीक्रेट रूम में लगाते हैं। देखो हमारा सीक्रेट वाला हाउस है, जो रूम है वो हमारे डोर के, ये देखो यहाँ से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसको मैं सोच रहा हूँ वो वाला कर दे, इसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कर दे, क्योंकि जब जैसा हम जाएंगे वो डोर ओपन हो जाएगा, तो उसको रहने देते अभी के लिए, तो फिलहाल उसको वैसे ही रहने देते। और यहाँ पर इसकी पहले वुल ले लेते, वुल दे दे हमें, हाँ तो इसे बेड बना लेते हैं पहले। प्लैंक्स, प्लैंक्स कहाँ थे मेरे, इसमें थे क्या, हाँ ये प्लैंक्स हैं हमारे पास। हम पहले क्या करते हैं, बेड बना लेते हैं, बेड बनाकर हमें ऊपर रख देंगे हम, हमारे 2 बेड बन चुके हमारे, और ऊपर रख देंगे हम बेड, जो
हमारे जो ऊपर क्या कहते उसे मॉडर्न हाउस है, मॉडर्न हाउस में दो बेड रख देंगे। नाइट हो गई क्या? नाइट हो गई शायद से, हमें यहीं पर सोना पड़ेगा। नहीं, नाइट नहीं हुई शायद अभी, तो चलते अपने पहले हाउस में, मॉडर्न वाले हाउस में, वहाँ पर जाकर देखते हैं नाइट हुई या नहीं। तो चलो जल्दी से मॉडर्न हाउस में। यहाँ से यहाँ पर रख दो बेड, यहाँ पर ही रखेंगे हम। हाँ नाइट हो चुकी है, तो फर्स्ट नाइट हम सो रहे हैं अपने मॉडर्न हाउस में, और यहाँ से हमारा मॉडर्न हाउस कंटिन्यू रहेगा। तो चलते हैं बाहर, वो वाला हम विलेजर को दे देंगे। विलेजर जैसे जैसे आते जाएंगे हम, उसको हमें जॉब भी देना है। मैं सोच रहा हूँ उसे फ्लेंचर बना दे, एमराल्ड के बदले में दे रहा है भाई, घटिया इंसान। ये टू ब्लॉक, जा यहाँ से, जा निकल निकल, तू भी निकल, तू भी निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये भी गया पहली फुर्सत में निकल। तो चलो भाई, ये जा चुका है ट्रेडर, अब ये कभी नहीं आएगा। दूसरा वाला ट्रेडर आएगा तो देखेंगे, वो अच्छी ट्रेडिंग देगा तो लेंगे, नहीं तो उसका भी ऐसे ही हाल होगा। यहाँ पर आ गए अभी, हाँ इसको भी वुल आ चुकी है, अभी वुल ले लेते हैं यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी पहले 3 बना लेते हैं। प्रेशर प्लेट ठीक लगेगा क्या? प्रेशर प्लेट जितनी हो सकती है उतनी बना कर देखते हैं पहले, फिर देखेंगे। प्रेशर प्लेट ठीक लगेगी मेरे ख्याल से। तो और एक डोंकी स्पॉन हो चुका है, मैंने अभी नोटिस किया पीछे, और एक डोंकी स्पॉन हो चुका है, इसको भी टेम करेंगे हम। यहाँ पर प्रेशर प्लेट बना लेते हैं इसकी जितनी हो सकती है, 2 स्टॉक लगभग हो चुके हैं हमारे पास, तो इतनी इनफ है, इतनी इनफ होगी, इतनी देखते हैं लगा कर, फिर ठीक लगेगा तो और बनाएंगे, टेंशन नहीं है उसका। यहाँ पर लगा कर देखते हैं हम पहले, यहाँ पर नहीं यार, इसकी आवाज़ें भी आ रही है, और क्या कहते हैं उसे, आवाज़ें भी आ रही है और लुक भी ठीक नहीं आ रहा इसका, तो इसे निकाल देंगे, इससे काम नहीं है भाई, हमें इसको निकाल देंगे हम। यहाँ पर वाइट कारपेट डाल कर देखते, कारपेट बैठेगा क्या? हाँ कारपेट तो ठीक लग रहा है, मगर वो क्या कहते हैं उसे, वो वाले ठीक नहीं लग रहे। प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट हम डोर के पास डालेंगे जो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यहाँ पर बेड हमारा, और एक जो कि कहाँ रखे हम, हमें बाहर का नज़ारा दिखना चाहिए वंडरफुल, जैसे ही हम उठे वैसे ही बाहर का नज़ारा दिखना चाहिए, तो यहाँ से दिखेगा, यहाँ पर रखेगा। नहीं पीछे टॉर्च है, इसको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रखते, जैसे ही हम सोकर उठेंगे वैसे ही हमारा बाहर बालकनी, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। और ये हमारा हॉर्स, चलते अभी हमारे ब्लॉक की ओर और देखते हैं शिप को आए, शिप, हाँ वुल आ चुका है शिप को, इससे शिप ले, वुल ले लेंगे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग करेंगे अभी, और देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पर सैंड तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ऊपर, क्योंकि सैंड का लेवल अलग होता है, वो ऊपर आ जाती हो, जैसे जोम्बी आया था भाई, जोम्बी चला गया नीचे, और यहाँ पर रेड स्टोन मिला है हमें, एक रेड स्टोन ले लेते हैं यहाँ से, और थोड़ी बहुत माइनिंग करते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिलता है। और एमराल्ड मिल गया एक, ये नहीं छोड़ना भाई, नीचे कैप्टस आ गया ना, सब चला जाएगा। देखो अभी कुछ मिला था हमें, और कैप्टस, ये बाजू वाला टूट गया भाई, इसको पहले लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई कुछ भी मैं नहीं खोना चाहता, तो इसको चेस्ट को इसको खाली करते हैं, हमारी इन्वेंट्री को इसमें रख देंगे, इन्वेंट्री हमारी पूरी खाली करके। एमराल्ड ब्लॉक्स, प्रेशर प्लेट 64, प्रेशर प्लेट, गोल्डन लेगिंग्स, तो पहले डायमंड रख लेते हैं भाई, डायमंड बहुत रेयर है हमारे लिए, यहाँ पर रख देते हैं। पहले हम बहुत सारे डायमंड खो चुके हैं, तो डायमंड मैं खोना नहीं चाहता, तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स थे क्या हमारे पास? नहीं, एक ही स्टॉक था, तो इसको क्या करते हैं हम अभी माइनिंग करना स्टार्ट कर। डोंकी उधर शिप है ना, इसका पहले वो ले लेते हैं। यहाँ से भूल क्यों लिया हूँ मैं हाथ में, तो यहाँ से इसकी तोड़ना स्टार्ट करते, और देखते हैं कुछ मिलता है हमें तो ठीक है। और ये ज़ॉम्बी आ गया भाई देख रहा, उसका अलग ही लेवल है, इसको मारना पड़ेगा हमें, इसको मार कर फिर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तो ज़ॉम्बी वगैरह क्रीपर ना आ जाए, बस ज़ॉम्बी आए तो चलेगा, ज़ॉम्बी फैंटम क्या क्या। और एक हॉर्स आ चुका है हमारे पास, वाइट वाला, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो इसको भी पहले हम टेम कर लेते हैं।
तो फाइनली ये भी टेम हो चुका है हमारे पास, और इसको सैडल पहना लेते हैं। सैडल पहना कर इसको भी वो वाले हॉर्स के साथ बांध देंगे, फिर बाद में देखते दोनों की ब्रीडिंग भी कराएंगे। इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको गोल्ड वाला आर्मर पहनाता हूँ। तो हमारे पास गोल्ड ज़्यादा है, तो मैं इसको गोल्ड वाला आर्मर पहना तो इसको नाम भी देना पड़ेगा, मुझे एनविल भी बनाना पड़ेगा। एनविल के लिए बहुत सारा आयरन चाहिए, और देख रहे हो कितनी लंबी छलांग मार रहा है। ऊपर चलो भाई, उस ऊपर इसको भी ऊपर ही बांध देंगे हम। ये देखो गोल्ड वाला कतई जहर भाई। एक ब्लैक और एक वाइट हॉर्स मिल चुका है हमें, तो इनको आजू बाजू ही बांधेंगे। तो ओपी यार, बहुत बढ़िया। तो चलो अभी चलते हैं माइनिंग के लिए। और हॉर्स मिल गए तो ठीक है, वरना हमें इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। शिप शिप को नहीं छोड़ना पहले भाई, तू बहुत मुश्किल से आती है। इसको मैं लीड कर सोच रहा हूँ बांध दे, बाद में बांधेंगे इसको, अभी नहीं। हमारे रैबिट को बांध देते उधर, रैबिट तो आ जा, रैबिट को बांध देंगे। बेचारा बहुत दिनों से घूम रहा है ऐसे ही, इसको बांध देंगे। कहाँ बांधे इसको, हमारे आ जा तू इधर आ। इसको फार्म में हमारे पास कैरेट भी नहीं है शायद से, कैरेट कैरेट से ही टेम होता है ना, कैरेट भी नहीं है शायद हमारे पास। हमारे फार्म में बीट रूट खाता है क्या है, देखेंगे फार्म में बांधेंगे। इसे बीट रूट खाया तो और भी ठीक बात है, देखो कैसे जम कर कर आ रहा है। यहाँ पर बांध देंगे इसको डोंकी के साथ, देखते बीट रूट खाता है क्या। बीट रूट यहाँ पर है हमारे पास, बीट रूट है। तो पहले मेलन तोड़ लेते, मेलन और आते रहेंगे, मेलन का उतना कुछ टेंशन नहीं है, तो मेलन आते रहेंगे, मेलन का कुछ नहीं। और यहाँ से बीट रूट भी तोड़ लेते हम। बीट रूट कितने हमारे पास, हाँ यहाँ पर बीट रूट है ना, ये सारे बीट रूट है। तो बीट रूट कलेक्ट कर लिए हमने, यहाँ पर इसके सीड्स भी लगा देते हैं साथ ही साथ। भाई हमें कोई काम रोकना नहीं है, हमें साथ ही साथ लगाते जाना है। और चलते अभी हमारे यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से चलते ये देखते खाता है या नहीं। बीट रूट नहीं खा रहा भाई ये, नहीं 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 खाता ये। मेलन मेलन भी नहीं खाएगा भाई ये, मेलन भी नहीं खाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। बाय।